हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मुझे जाना है तोरपा, तो मैं आधे रास्ते पर हूँ क्योंकि निकल चुका हूँ। और मेरे साथ में है सुमित, और हम दोनों जा रहे हैं तोरपा, कुछ कुछ काम है। वैसे दोस्तों, कि बजाज कार्ड वगैरह मुझे बनवाना था, और इससे आगे दोस्तों अभी पोकला वाला मार्केट भी मिलेगा, तो चलिए। वैसे वहाँ पे मैं रुकूंगा नहीं, तो आपको ऐसे ही रोड किनारे से दिखाता पार हो जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं यहाँ से। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंचने वाले हैं तोरपा। और दोस्तों, हम लोग हैं अभी तोरपा से जस्ट 5 किलोमीटर पहले, और यहाँ पर देखिए दो पुल है। ये मैंने पहले वाले ब्लॉग पे भी आप लोगों को दिखा रखा है, बट आप लोगों ने नहीं देखा होगा। यहाँ खड़ा होने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए दोस्तों मैं हमेशा जब भी आता हूँ तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ और थोड़ा देर में यहाँ पे इधर उधर देखता हूँ, उसके बाद ही मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भीड़ भड़ाका नहीं रहती है। वैसे दोस्तों, यहाँ पे शाम और सुबह ये दोनों टाइम काफ़ी भीड़ भड़ाका रहती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग आते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और घूमने फिरने भी आते हैं। तो चलिए, फिलहाल अब यहाँ से हम लोग चलते हैं। सिर्फ 5 किलोमीटर बाकी है दोस्तों, अब यहाँ से पहुँच जाएंगे तोरपा। फाइनली दोस्तों, जो काम से मैं तोर पाया था वो हो चुका है, और हम अब यहाँ से लौटेंगे। तो दोस्तों, अभी थोड़ा सा चाउमीन वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से चलेंगे। तो काफ़ी टाइम लग गया दोस्तों यहाँ पर, अभी शाम के 3 बज रहे हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने कुछ ऐसे दिखाया नहीं आपको, और यहाँ पर दिखाने लायक कुछ है ही नहीं, तो क्या दिखाऊँगा दोस्तों। हम लोग यहाँ पर चाउमीन वगैरह खा लेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग चलेंगे। तो फाइनली दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं घर। और दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा ही ठंडा लगा है, कहने का मतलब हम लोगों को लौटते लौटते शाम हो गई, इसीलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडा भी लगा है। और जो मेरे साथ सुमित था, उसने तो जूते भी नहीं पहने हुए थे पैर पे, इसीलिए उसको तो ज़्यादा ही ठंडा लगा है। वैसे शाम हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप, कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा, 10-15 मिनट में। तो वैसे दोस्तों, आज नया पेंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो कौन सी पेंटिंग स्टार्ट करेंगे मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। वैसे दोस्तों, वैसे दो मेरे पास ऑयल पेंटिंग की कमीशन वर्क है, तो दोनों में से कोई एक पेंटिंग स्टार्ट कर देंगे। और कल जो मैंने बनाया था दोस्तों, वो ये है, इसका सिर्फ बैकग्राउंड बचा हुआ है, और टीथ पे थोड़ा सा काम करना है, और हाईलाइट देना है ग्लासेस, सन ग्लासेस पे। तो चलिए, फिलहाल जो होगा उसी को देखते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, इसी पेंटिंग को मैं कंप्लीट कर देता हूं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम भी हो चुका है, और नहीं तो वो कृष्णा वाली पेंटिंग के जैसे ये भी अधूरा हो जाएगा। वैसे दोस्तों, उसमें कुछ काम ऐसा बचा नहीं है, बट थोड़ा मोड़ा उसमें काम है, क्योंकि उसमें डिटेलिंग करना है, तो इसको मैं पूरा डिटेलिंग वगैरह कर देता हूँ और बैकग्राउंड को कम्प्लीट कर देता हूँ। ये दोस्तों पूरा कम्प्लीट हो चुका है, और इसमें आप लोगों को मैंने पूरा डिटेल से नहीं दिखाया है, तो आप मेरे आर्ट वाले चैनल पर ज़रूर जाके देखना।
दोस्तों आज है अगला दिन और आज हम लोग का काम यहाँ पे हो रहा है। आपने देख लिया मैंने किस तरह से इसे लिखा है। अब दोस्तों इसमें सिर्फ मैं आउटलाइन कर दूंगा वाइट से ताकि दिखने में सुंदर लगे। तो इसे करते हैं, उसके बाद चलते हैं। काफ़ी बड़ा बड़ा है, मैं एक बार ऊपर जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ कितना बड़ा बड़ा है। ऊपर चढ़ने के लिए दोस्तों हमने ऐसा सीढ़ी लगा रखा है, तो चलिए चलते हैं। और हम लोग हमेशा बांस में चढ़ चढ़ के काम करते हैं तो आदत हो रखा है हम लोगों को। तो ये देखो कितना बड़ा बड़ा राइटिंग है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा ये लिखा हुआ है। ये दोस्तों अभी इसमें जब आउटलाइन मैं दूंगा वाइट से तब जाके ये सुंदर दिखने लगेगा दोस्तों। और इसको लिखने के लिए मैंने यूज़ कर रखा है दोस्तों एपेक्स, जो कि ब्लू कलर का एपेक्स है। और हम लोगों ने पेंट से इसीलिए नहीं लिखा है दोस्तों, क्योंकि इसमें अभी पेंट में चलाता तो काफ़ी लेट हो जाता लिखने में। तो चलिए दोस्तों इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने देर में ये ख़त्म होता है। तो फाइनली दोस्तों मैं इसे पूरा कंप्लीट होते तो नहीं दिखाऊंगा, बट मैं इसमें एपेक्स का यूज़ कर रहा हूँ वाइट कलर का, जो कि इसके किनारे किनारे बॉर्डर लगा दे रहा हूँ। तो इसे पूरा कंप्लीट करता हूँ दोस्तों, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों ये हो गया है कंप्लीट। इसमें मैंने वाइट सा आउटलाइन दे दिया है ताकि दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे दोस्तों। फिर कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को कैसा लगा ये राइटिंग। ये चर्च हुआ, मंदिर हुआ और ऐसी ऐसी जगहों में जहाँ पे जैसा सूट करता है वैसा ही लेटर हम लोग लिखते हैं दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों वाइट आउटलाइन देने के बाद कितना सुंदर सा लग रहा है। बांस को हम लोग हटाएंगे तभी अच्छा लगेगा। तो फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे बांस वगैरह नहीं हटाएंगे, यहाँ रहने देंगे। किनारे किनारे दीप बनाना है दोस्तों। तो ये रहा हम लोगों का काम और इसे करने में हम लोगों को ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए हैं दोस्तों। तो चलिए फिलहाल यहाँ से चलते हैं। और काफ़ी यहाँ पे ठंड भी लग रही है, यहाँ पे छाया है तो इसीलिए मैं बार बार धूप पे आ जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों सीधे घर चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ घर। आज एक नया स्केच स्टार्ट करेंगे, कहने का मतलब नया पेंटिंग बनाएंगे, जो कि थर्माकोल पे मैं करूंगा दोस्तों। काफ़ी बड़ा बनाना है इसीलिए, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले तो दोस्तों मुझे थर्माकोल को अटैच करके जोड़ना पड़ेगा, मतलब 2-3 थर्माकोल मैं जोड़ूंगा, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे अपना काम को। या तो ग्रिड लगा के ही बनाऊंगा या तो फिर ऐसे ही स्केच करूंगा, तो जो भी होगा देखेंगे। तो फाइनली दोस्तों मैंने थर्माकोल जो है वो जोड़ लिया है। बस दोस्तों अब मुझे फोटो सिलेक्ट करना है। वैसे मैं फोटो सिलेक्ट कर रहा था दोस्तों, बट सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, कहने का मतलब अच्छे अच्छे फोटो नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे टाइम लग जाएगा दोस्तों उसमें। तो फिलहाल मैंने देखिए कैसा जोड़ा है इसे, ये है दोस्तों थर्माकोल जिसे मैंने स्टैंड पे अपने लगा रखा है। ये स्टैंड है, इसके ऊपर एक बल्ब जल रहा होगा। तो इसी तरह से दोस्तों मैं पेंटिंग बनाता हूँ, कभी दिखाऊंगा दोस्तों आपको मेरा सेटअप, जो कि मैं कैसे पेंटिंग करता हूँ ताकि मेरे पेंटिंग में शेडो वगैरह नहीं आते हैं, और लाइट वगैरह मैं कैसा यूज़ करता हूँ वो सब भी बताऊँगा आपको। तो इसके बारे में दोस्तों कभी बात करेंगे। और दोस्तों फिलहाल मैं फ़ोटो वगैरह ढूंढ रहा था, तो 1-2 फ़ोटो मैंने डाउनलोड कर लिया है, कहने का मतलब उसमें भी अच्छे अच्छे फ़ोटो नहीं हैं। 3 फ़ोटो हैं मेरे पास, 3-4 फ़ोटो होंगे। तो एक ये देख सकते हैं आप, ये दिख रहा होगा आपको, एक ये है और एक ये है दोस्तों दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कस्टमाइज़ करके मैं बनाऊँगा, क्योंकि दोस्तों इन 3-4 फ़ोटो में से मैं अच्छे अच्छे फ़ोटो को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इस पेंटिंग में मुझे स्पेशली 3 लोगों को दिखाना है, जो कि माता मरियम है, जोसेफ है और एक जीजस को दिखाना है। तो ये 3 का मैं अलग अलग फ़ोटो में सेलेक्ट करके उसको एक ही में मर्ज करके मैं बनाऊंगा। और दोस्तों ये स्केच मैं आज स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, कल ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि दोस्तों अंधेरा भी हो चुका है और मेरे खाना पीना बनाने का टाइम भी हो जाता है। तो फिलहाल वैसे दोस्तों 1-2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ, इसलिए दोस्तों मैं चैनल पर ध्यान दे नहीं पा रहा हूँ, कहने का मतलब कंटिन्यू वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोशिश तो करता हूँ दोस्तों, बट नहीं हो पाती है। वैसे मैं कल से लगातार करने की कोशिश करूंगा और वैसे कल से ये पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा,
कहने का मतलब स्केच वगैरह सारा कंप्लीट करके पेंटिंग स्टार्ट ही कर देंगे। और वैसे दोस्तों मैं बाहर का अगर काम नहीं करता तो डेली एक पेंटिंग आप लोग को बना के मैं दिखाता, बट वैसा नहीं है क्योंकि काम नहीं करेंगे तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे दोस्तों। तो इसीलिए मुझे पहले काम पे ध्यान देना होता है, उसके बाद दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर दोस्तों मेरे चैनल पे अगर पैसे आने लगते तो मैं दोस्तों यूट्यूब पे ही ज़्यादा ध्यान देता और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाता और दोस्तों मेरे हर टेक्निक से आपको रूबरू कराता। वैसे दोस्तों आप अगर मेरी वीडियोज़ कंटिन्यू देखोगे तो आप लोग सीख ही जाओगे मैं किस टाइप से पेंटिंग वगैरह बनाता हूँ, आप कौन सी कलर का यूज़ करता हूँ, कैसा करता हूँ। वैसे तो दोस्तों मैं बता ही देता हूँ। और दोस्तों मैं कल व्लॉग भी नहीं कर पाया था क्योंकि मैं तोरपा चला गया था दोस्तों और बेवजह का गया था दोस्तों, मेरा पूरा काम नहीं हुआ, आधा अधूरा काम हुआ, उसके लिए मुझे इतना दूर जाना पड़ता है, तो कभी और कराएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस ब्लॉग को करता सो गाइज इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड, कल फिर मिलूँगा आपसे एक नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।